हाय स्टूडेंट, मैं दीपक सिंह गोसाई, डायरेक्टर VCIC करियर काउंसलर, एक बार फिर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है NIS के उन स्टूडेंट्स के लिए जो NIS में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और उनको यहां पर चाहिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें बिना पढ़ाई करे 100% पास कैसे किया जाए, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें बहुत ही कम पढ़ाई करके वो आसानी से पास कर सकते हैं, जिनका मकसद 10th क्लास को पास करना या 12th क्लास को पास करना है, उनके लिए ये वीडियो है। आज का इस वीडियो में सिर्फ 10 मिनट में हम आपको ये खुलासा करने वाले हैं कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट है जिन्हें लेके आप आसानी से पास हो सकते हो और अपने आगे का करियर बना सकते हो। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या तरीका है और कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि NIOS में कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो NIS में हम कोई भी मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने करियर कोर्स में। और अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि NIOS में कितने सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। तो हम सभी को पता है कि NIOS में कोई भी 5 सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना पड़ता है, और अगर आप 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो NIS आपको एक मार्कशीट इशू करती है, जो मार्कशीट आपका बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है किसी भी अदर बोर्ड के बराबर, जैसे CBSE है, ICSE है या कोई स्टेट बोर्ड है, उन सब के बराबर में यहाँ पर आते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जानते हैं क्या वो तरीका, किसी भी सब्जेक्ट को हम पास करने का NIS में क्या तरीका है। तो मैं बताऊं आपको, सब्जेक्ट जो है NIS का जब हम चूज करते हैं तो उस NIS को पास करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो आता है उसमें थ्योरी एग्जाम, जो आप देने जाएंगे स्टडी सेंटर में जब आपका एग्जाम होगा, और एक होता है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम, अगर आपने सब्जेक्ट ऐसा चूज करा है जिसमें प्रैक्टिकल है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है, और तीसरा एक होता है TMA, ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट्स। ये ट्यूशन मार्क्स असाइनमेंट क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे दिया जाता है उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें पास करना है NIS में तो उसके लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है और TMA, इन तीनों को लेके। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सेपरेटली, थ्योरी में आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, और TMA में मिलते हैं हमें 20% मार्क्स मिलते हैं हमें थ्योरी एग्जाम के। थ्योरी एग्जाम में जो भी जितने मार्क्स का भी थ्योरी का एग्जाम होता है उसका 20% वेटेज जो होता है TMA होता है। TMA हमें एग्जाम होने से पहले स्टडी सेंटर में सबमिट करने पड़ते हैं और वहां से हमें ये मार्क्स अलॉट होते हैं। तो इन तीनों को मिला के, थ्योरी को मिलाकर, प्रैक्टिकल को मिलाकर और हमारे TMA को मिलाकर 33% अगर एग्रीगेट होता है तो हम अपने सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए जानते हैं कौन कौन से वो सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके आए हैं 2 ऐसे आसान सब्जेक्ट्स जो कि हर एक स्टूडेंट बहुत ही आसानी से पास कर लेता है। और पास क्यों कर लेता है उसका कारण ये है कि ये दोनों सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट जिसमें कोई आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व आउट करना है, किसी में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, किसी में कोई आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 2 ऐसे आसान सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। और वैसे भी NIS ने आपको यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन रखा है कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी है और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट होने हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेकमेंड कर रहे हैं दोनों सब्जेक्ट को, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी। हिंदी और इंग्लिश में पास होना आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे हिंदी में मान लीजिए निबंध आता है उसे आप अपने ज्ञान के अनुसार लिख सकते हैं, कोई आपको पत्र आता है उसे भी आप अपने आप लिख सकते हैं, कोई नोटिस बनाने को आता है तो वो आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, जैसे भी आपको एक्सपीरियंस हो, जितना ज़्यादा आप इसमें लिख पाओगे उतने ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। और ज़्यादातर हमने देखा है कि NIS में इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो फेल होते हैं और मोस्टली जो है 100% यहाँ पर पास हो जाते हैं। तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं और ये 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बहुत आसान होता है इन दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बोलें इसमें हिंदी और इंग्लिश, तो अगर हम हिंदी और इंग्लिश के उन एलिमेंट्स की बात करें तो थ्योरी एग्जाम की बात करें तो हाँ, दोनों ही सब्जेक्ट में आपको थ्योरी एग्जाम देना है, दोनों ही सब्जेक्ट में आपको TMA सबमिट करना है, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट्स के कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते हैं। तो उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं बनाना है आपने, ना ही कोई प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो यानी कि आपको जो 33% एग्रीगेट चाहिए वो आपके थ्योरी में सेपरेटली 33% होने चाहिए, और TMA मिला के अगर आपका जो है एग्रीगेट 33% हो जाता है तो आप अपने सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहाँ पर आ रहा है तीसरा आसान सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल के साथ में है, और वो सब्जेक्ट है पेंटिंग।
अब यहाँ पे पेंटिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हमारी तो पेंटिंग बहुत ही ख़राब है, हमें तो आर्ट आता नहीं है बनाना। तो मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट, अगर आपको पेंटिंग नहीं भी आती है तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम सिर्फ 30 मार्क्स का आता है और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल फाइल बना के देनी होती है। वो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनती है पेंटिंग की, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें इस प्रैक्टिकल में आपको स्टूडेंट्स को आराम से 60 to 65 मार्क्स मिल जाते हैं, बाकी थ्योरी में 9 मार्क्स सिर्फ चाहिए होते हैं पास होने के लिए। और ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें स्टूडेंट 100% पास हो जाते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट की हम बात करें, थर्ड सब्जेक्ट जो हम रेकमेंड कर रहे हैं पेंटिंग का, तो अगर हम इसमें बात करें थ्योरी एग्जाम का, तो हाँ थ्योरी एग्जाम हमको इसमें देना है 30 मार्क्स का। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम TMA का, तो TMA भी यहाँ पे सबमिट करना है हमको पेंटिंग का। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो जी हाँ प्रैक्टिकल भी देना है। तो यानी कि थ्योरी, TMA और प्रैक्टिकल, इन तीनों को मिला के जो एग्रीगेट हमारा होना चाहिए वो 33% होना चाहिए, जिसमें कि हमारे को आसानी से मिल जाता है और हम आसानी से पास हो जाते हैं। चौथा हमारा इजी सब्जेक्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो भी प्रैक्टिकल के साथ है हमारा, और वो हम लेके आए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और कंप्यूटर से यानी कि स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर का, ये सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज वाला सब्जेक्ट है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, CPU क्या होता है, इसका हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, साथ ही कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम कैसे करा जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत ही अवेयर होते हैं, और इसमें जो होती है आपका थ्योरी सिर्फ 40 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल 60% का है, यानी कि 60 मार्क्स का यहाँ पे प्रैक्टिकल आता है, जिसमें स्टूडेंट आराम से 50 से 55 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल में ले आते हैं और थ्योरी का एग्जाम देकर आसानी से पास होकर ये भी एक सब्जेक्ट हमारा बन जाता है, जिसमें स्टूडेंट 100% पास हो जाते हैं। और तो ऐसे स्टूडेंट अगर हम इस चौथे सब्जेक्ट की बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो यहाँ पर थ्योरी एग्जाम अगर हम बात करें तो हाँ हमें थ्योरी एग्जाम यहाँ पर देना है। TMA की बात करें तो जी हाँ TMA भी बनाना है आपको, और अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो जी हाँ एक प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको इसको देना है। तो इन तीनों को मिला के हमारे अगर एग्रीगेट 33% हो जाते हैं, तो ये भी हमारा एक सब्जेक्ट जो होता है बन जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें हम लोग आसानी से पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हमारा ऐसा पांचवा कौन सा आसान सब्जेक्ट है जो कि हम पास कर सकते हैं, तो वो भी हम रेकमेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट हम लेके आए हैं होम साइंस। जी हाँ, अब होम साइंस इसके साथ साइंस वर्ड जुड़ा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे कोई आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करने हैं या कोई आपको जो है थ्योरम याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम हिंदी में गृह विज्ञान भी बोलते हैं, और ये होम साइंस भी हमारा थ्योरी या 80 मार्क्स का आता है और 20% इसमें प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है उसके लिए सेपरेट वीडियो है हमारा, वो आप जाके देख सकते हो, लेकिन बहुत ही आसान होता है ये सब्जेक्ट, बहुत ही आसानी से हम इस सब्जेक्ट में अपने ही तरीके से लिख कर पास हो सकते हैं। इसमें भी हमें अगर हम बात करें इस वाले होम सब्जेक्ट पाँचवें सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट में भी हमें थ्योरी का एग्जाम देना है, साथ में TMA भी हमें देने हैं, प्रैक्टिकल भी हमको यहाँ पर देना है। तीनों को मिलाकर अगर हमारा 33% होता है तो इस सब्जेक्ट में भी हम क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पांचों सब्जेक्ट भी हमारा बहुत ही इजी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम पढ़ें, ये जो पांच सब्जेक्ट आज हमने चुने हैं ये बहुत ही इजी हैं, आप इनको चुनिए, जिसमें हमें एक बार फिर मैं आपको बताऊँ, हिंदी सबसे पहला सब्जेक्ट हमने रखा है, दूसरा इंग्लिश, तीसरा अगर हम बात करें पेंटिंग, चौथा हमारा है डाटा एंट्री ऑपरेटर और पांचवा हमारा है होम साइंस। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आप ये पांच सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, चाहे आप क्लास 10th के हों चाहे क्लास 12th के हों, तो आप 100% अपने NIS में पास कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या किसी भी TMA प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्जाम को लेकर कोई डाउट है, तो हमारे इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको जो है हमारे मोटिवेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो टाइम से मिलते रहें, सबसे पहले मिले। और इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको हमेशा जो है करियर काउंसलिंग यहाँ पर होती रहती है स्टूडेंट्स को, और मैं बहुत से वीडियोज़ ऐसे लेकर आता रहता हूँ। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।